Vasudeva sutam devam kansa chanuramardhanam devaki paramanandam krishna vande jagadguru. 64 kya raga dvesha viyukteshtu vishyan indriyasharan atmavashay vidheyatma prasadam adhigacchati. ये जो स्थित प्रज्ञ दर्शन, इसको क्या क्या है? स्थित प्रज्ञ का लक्षण है ना, ए फिलॉसफी, एक प्रिंसिपल, एक आइडियल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. यानी गीता का मानो सार जैसा भी इसी में दे दिया है. जीवन के लिए हमारे लिए एक लक्ष्य दे दिया है. राग द्वेष को दूर करने की बात बार बार कहेंगे. राग द्वेष क्या है इंग्लिश में बोलते हैं? लाइक्स एंड डिसलाइक्स. और जितने अधिक हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स होंगे, जितने स्ट्रांग होगी, उतना जीवन अशांत होगा. अचानक बहुत सुख, अचानक बहुत दुख. और लाइक्स एंड डिसलाइक्स कम करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए. सावधानी से देखना चाहिए कि हम कहाँ पे चिपके हुए हैं, कहाँ पे हमको बहुत ईर्षा द्वेष है, दूर रहना चाहते हैं. हमको सारा जीवन ये लोग चलाते रहते. पातंजल योग सूत्र के अनुसार राग द्वेष दो क्लेश कहे गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश. ये पांच में से दो क्लेश हैं राग द्वेष. पहले हैं अविद्या. अविद्या विस्तार में नहीं जाएंगे. जो हमारे जो जगत है उसके विपरीत चिंतन, जो सत्य है उससे विपरीत दृष्टिकोण. अस्मिता अहंकार, मैं मेरा. उसके बाद राग द्वेष. राग द्वेष सुखानुषयी राग, जो सुख वस्तु या विषय या परिस्थिति हमको सुख देवे, उसके पीछे जो जाता है, उसके प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है उसको राग कहा. और दुखानुषयी दुख के प्रति, दुख की परिस्थिति, दुख की वस्तु, व्यक्ति, उसके पीछे जो जाता है, यानी उससे संबंधित जो हमारा मेंटल दृष्टिकोण है उसको कहा गया द्वेष. और इन राग द्वेष को बार बार भगवान कहते हैं, राग द्वेष से रहित होकर संसार में रहो ना, उसमें क्या होगा? प्रसादम अधिगच्छति. अभी हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो राग प्राप्त करते हैं, लेकिन दुख भी आ जाता है. सुख दुख से भिन्न एक चीज है जिसको भगवान यहां पर प्रसाद कहते. प्रसादम अधिगच्छति. और फिर आगे प्रसाद की और भी बात कहेंगे. ये प्रसाद क्या है, इसका ट्रांसलेशन क्या किया है हिंदी में गीता प्रेस गोरख में? प्रसन्नता. राग द्वेष वियुक्त होकर विषयों में रहिए. विषयों के साथ संपर्क इंद्रियों का होगा ही. कई प्रकार के दृश्य दिखेंगे, अच्छे बुरे दृश्य दिखेंगे. आप इंद्रियों के संसर्ग में आएंगे, उसका अनुभव होगा, अच्छा बुरा अनुभव होगा. आप राग द्वेष रहित होकर उसको स्वीकार कीजिए तो क्या होगा? प्रसन्नता प्राप्त होगी. मतलब यह है कि राग से सुख देख मिलेगा, प्रसन्नता नहीं मिलेगा. अंतर किया, वेरी ब्यूटीफुल अंतर किया. और ये प्रसन्नता की बात पतंजलि योग सूत्र में भी आती है. पतंजल योग सूत्र में कहा गया है, दो जगह आता है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्र साधनम. 33वां पहले श्लोक एंड में. क्या कि जो जो व्यक्ति सुखी है उसके प्रति मित्रता का भाव, जो दुखी है उसके प्रति करुणा का भाव, जो पुण्यवान है उसके प्रति मुदिता का भाव. मुदिता यानी अच्छा है ये भाव. और जो अपुण्यात्मा पापी दुष्ट है उसके प्रति उपेक्षा का भाव. ये चार भाव का पढ़ने से चित्त प्रसादन, चित्त प्रसन्न होता है, प्रशांत होता है, शांत होता है, सात्विक होता है. ये सब एक साथ उसके साथ आ जाते हैं. और उसके आगे और भी पतंजलि योग सूत्र में उसी चैप्टर में देखेंगे आप, अराउंड 47 है एक, निर्विचार वैच अवैशारद्य अध्यात्म प्रसाद. 47 निर्विचार सब प्रकार की समाधि, एक प्रकार की समाधि
प्राप्त होने पर अध्यात्म प्रसाद, वहां चित्त प्रसाद है, ये आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ये प्रसन्नता जो ऐसी चीज है, ये सुख से भिन्न, एक प्रशांति का भाव, आनंद का भाव, प्रसन्नता का भाव, पूर्णता का भाव, जो सदा योगी में बना रहता। भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में प्रहर्ष, प्रसाद, इस तरह के सत्व गुण के वे चूड़ामणि में विशुद्ध सत्व गुण के लक्षण बताते हैं। क्या? प्रसाद, परम प्रशांति, तृप्ति, उत्कृष्ट हर्ष। अगर जितना जितना हम हमारे जीवन में प्रसन्नता आएगी, सत्व गुण आएगा, उतना हमारे जीवन में प्रशांति आएगी, एक इनर अंडर करंट ऑफ पीस, ब्लिस वो आएगा। चेहरे से देख के लगता है कि ये आदमी सात्विक। बनारस में जब हम पहली बार जब मैम गए, तो वहां जो सेक्रेटरी थे भास्वर आनंद जी, नॉट भास्करेश्वर आनंद जी नागपुर के थे, भास्वर आनंद जी करके थे, वो इतने सौम्य दिखते थे कि बस चेहरा जो था ना, एकदम सौम्य, प्रसन्न, सात्विक चेहरा। फिर हमारे गुरु यतीश्वर आनंद जी को देखा था, एकदम सौम्य। चित्र भी आप देखेंगे, बिल्कुल शांत। इस गहराई को हमें प्राप्त करना है, इज नॉट थ्योरी। ये आदर्श है, हाँ आदर्श है, ठीक है, वो आदर्श है, बस ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो आदर्श है तो हाँ मिलेगा, अब वो कब मिलेगा, अब वो पता नहीं कितने जन्मों में मिलेगा, हाँ स्थित प्रज्ञ दर्शन में, लेकिन आज और कल भी तो मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? आपको सीधी बात रहेगी, राग द्वेष आपके निकाल दो, खत्म हुई बात, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को कम कर दो, ये आपके हाथ में है। और आप इसको 100 साल में करो या 5 दिन में करो, आपके हाथ में, इस तीव्रता से कर सकते हो। और सब प्रसन्नता का एक भाव, सब समय एक आनंद का भाव बना रहे, ये वो भगवान यहाँ पे कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान इंद्रियेश्चरण आत्मवश्यी। अपना मन अपने हाथ में कंट्रोल रहे, आत्मवश्य अपने आप में कंट्रोल, विधेय आत्मा एकाग्र चित्त, विधेय आत्मा को यही कहा, विधेय आत्मा अधीन किए हुए अंतःकरण वाला व्यक्ति, एकाग्र किया अंतःकरण व्यक्ति, इधर उधर मन को भागने न दो, विचलित मत होने दो, बस कहीं बाहर नहीं है, प्रसाद प्राप्त हो गया अपने आप, वह अंदर है ही, प्रसादम अति गच्छति। अब ये जो प्रसाद है ना, कई बार ये होता है, एक आदमी वेल एस्टेब्लिश्ड है, अच्छा जॉब है, 2 बच्चे हैं, वेल सेटल्ड हैं, बैंक बैलेंस है, कोई ऑनर भी मिल गया, प्रसन्न, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। लेकिन ये जो फुलफिलमेंट है, ये जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वल्नरेबल, है ना, वल्नरेबल, कहीं कहीं पे ऐसे जगह पे है, उसी जगह पे है, वो आपके सेंसिटिव पॉइंट है, उसके कारण आप प्रसन्न हैं, उसको स्ट्राइक किया कि आपका सारा प्रसन्नता का पहाड़ महल जो है वो ढक, नाम यश में किसी ने आपकी निंदा कर दी तो सब खत्म, पुत्र को कुछ हो गया सब खत्म, बैंक आपकी जिसमें है वो बैंक कोलैप्स हो गई, सब खत्म, आपकी सारी प्रसन्नता समाप्त। इन सब में राग द्वेष के कारण हम यहीं फंसे हुए रहते हैं। पर ये जो बात कही है भगवान ने, यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्थायी प्रसन्नता प्राप्त, राग द्वेष को दूर करके आप रहो ना, जहां भी करना हो, कुछ करना हो, राग द्वेष कहीं मत लगाओ, ये राग द्वेष आपको बांध के रखेंगे। राग मैंने कहा ना, और द्वेष किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से, वो नहीं चाहते, ट्रांसफर हो गया ऐसी जगह, वो नहीं चाहते आप, सारी आपकी प्रसन्नता जो है वो खत्म। इसलिए राग द्वेष विषयेषु
विषयानंदित्य आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम। आत्मा अपने मन जो है अपने कंट्रोल में रहे, विधेय आत्मा इंद्रियां संयत रहे, मन नियंत्रित रहे, आत्मा के अपने आप के वश में रहे, तब आप प्रसन्न। और ये ऐसी चीज है जो कठिन नहीं है, थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, हो सकता है डिफिकल्ट प्रसन्नता ये आ सकती है। फिर आगे क्या कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद होने पर, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, और ये अंतःकरण की प्रसन्नता स्थायी प्रसन्नता, ये प्रसन्नता के भाव हम संतों में देखते हैं। श्री रामकृष्ण वो प्रसन्नता का घनीभूत विग्रह, स्वामी ब्रह्मानंद जी आनंद के विग्रह, वो लोग वो जिसे कहते हैं ना कि उसको आयत्त करके बिल्कुल प्रसन्नता को परमानेंटली लेके रखते थे। लेके रखना क्या, अरे वो तो उनका स्वभाव है, हमारा स्वभाव है, उसके ऊपर का आवरण निकाल दो, बस भगवान की गोद में जाके बैठ जाओ, बस सिंपल। या फिर इस संसार की समस्त द्वैत जगत के पीछे एक परमानेंट आनंद की सत्ता है। द्वैत जगत जो भी कुछ है ना, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, द्वैत में कुछ न कुछ तो होगा ही, लेकिन उसके पीछे एक स्थायी सत्ता है, एक स्ट्रेटम ऑफ ब्लिस। आप ब्रह्म कहिए उसको, कुछ भी कहिए, किसी भी नाम से आप पुकारिए, तो मैं कभी कभी कहता हूं कि उसकी हमको झलक ही नहीं पानी है उसके राज्य में। देर इज ए रिलिम ऑफ ब्लिस, उस राज्य में की झलक ही नहीं पानी है, उसमें प्रवेश करना है और प्रतिष्ठित हो। ये लोग भगवान गीता में उन प्रतिष्ठित लोगों की बात कर रहे हैं, जो संतों की बात कर रहे हैं। उन्होंने झलक ही नहीं पाई, उसको पा लिया, और उसके बाद में हमेशा उसमें आनंद में है, जैसे बच्चा हमेशा माँ की गोद में है, सब कुछ काम करता है, खेलेगा डुलेगा, लेकिन जाके गोद में बैठ जाए। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसाद होने पर सभी दुखों की हानि होती है। कौन से सब दुख, आध्यात्मिक बोलो, आदि दैविक, तीन प्रकार के दुख। आदि भौतिक, सब वृष्टि हुई, ये हुआ, झड़ तूफान हुआ, ठंडी ज्यादा पड़ी, प्राकृतिक हुए। आदि दैविक, ये आदि दैविक हुए, दूसरे प्राणियों के, सांप बिच्छू कोई व्यक्ति है, दुष्ट है, इनके द्वारा, चोर इत्यादि के द्वारा हुए आदि भौतिक प्राणियों के, भूत प्राणियों के, और आध्यात्मिक। यहां पर अगर प्रसाद हो जाए तो क्या चोर डाकू से हमको छुटकारा मिल जाएगा, वो बात नहीं है। मेनली यहां पर आध्यात्मिक की बात है, सर्व दुखानां आध्यात्मिक। आपको उसके बाद आप बीमार हो गए तो भी आपकी प्रसन्नता दूर नहीं होगी, आपको चिंता भी होगी तो भी प्रसन्नता दूर नहीं होगी। और ये जो भौतिक और आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक हैं, इनसे जो बातें होगी उनसे हमारा जो रिएक्शन होगा वो बहुत कम होगा। ये बाहर की परिस्थितियां हैं, कोई बहुत हाहुताश करने लग जाएगा उसके जीवन में अधिक दुख होगा, और कोई ज्यादा नहीं, ठीक है। स्वयं हम लोग अपने जीवन में देखेंगे कि जितना आध्यात्मिक विकास होता है, पहले बाहरी परिस्थितियों से जितने विचलित होते थे उससे अब कम होते आता है, ठीक है, इतना विचलित नहीं हुआ, पहले बहुत कष्ट होता था, बहुत सोचते थे, अब आती हवा चली। तो इसलिए कहते हैं सर्व दुखानां हानि, नाश हो जाता है अस्य, अस्य यानी इस भक्त का, इस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का, जिसके सर्व दुखानां अभाव हो जाता है। और प्रसन्न चेतसः आशु शीघ्र ही बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते, भली भांति स्थिर हो जाती है। मन एक बार प्रसन्न हो गया, सात्विक हो गया, तो उसको एकाग्र होने में अधिक कठिनाई होती नहीं, आसानी से वह विचलित नहीं होता, प्रसन्न रहता है, ये बात कहते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते,
प्रसन्न चेतसः आशु शीघ्र ही बुद्धि पर्यवतिष्ठते। लिखे हैं बुद्धि सब ओर से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। दोनों बातें हैं, एक तो परमात्मा में स्थिर होने से प्रसन्नता आती है और दूसरा राग द्वेष कम होने से प्रसन्नता आती है। यहाँ पे राग द्वेष कम होने से प्रसन्नता की बात करें, मैं अभी जो कह रहा था ना, आप लोगों से बात कर रहा था, ठाकुर माँ जगदम्बा से कहते थे कि अरे ये लोग सब इतनी साधना कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा कुछ दर्शन वर्शन दो, नहीं तो कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा आप करके देखिए तो, राग द्वेष कम करके देखिए। यहाँ पे तो ध्यान की भी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो भक्ति की भी बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्ञान की बात पहले कर दी, यहाँ पे तो केवल कह रहे हैं अवासनाओं को दूर करो और राग द्वेष को दूर करो, इंद्रियों को संयत करो, बस इतना। यहाँ भक्ति भी नहीं ला रहे हैं, ज्ञान भी नहीं ला रहे हैं, सिंपल एकदम प्रैक्टिकल। वासनाएं जानते हो तो हाँ, उसको काम करो। कैसे करो? विचार के द्वारा करो। थोड़ी वासना तीव्र होगी तो थोड़ा थोड़ा भोग कर लो और छोड़ दो उसको, विचार करके उसी के चक्कर में बार बार मत पड़े रहो। फिर इंद्रियों पर संयम करो, इंद्रियों को जाने मत दो, मन के द्वारा उसको संयम करो, नहीं तो इंद्रियां जो है वो तुम्हारे मन को ले जाएंगी। ध्याय तो विषयान पुंस तो बोल लिया उसे वहां पर। वहां पर जो बात कही गई है, वहां पे कहा है कि मन जो चिंतन करता है उससे इंद्रियां उस ओर जाती हैं, और दूसरी प्रक्रिया होती है इंद्रियां जाती है और मन उनके पीछे जाता है। कठोपनिषद में वो बताया है, क्या बताया है? आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बोलो, बुद्धिस्थ सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्ते त्यातु मनीषिणा। ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन। ये रथ जो है वह हमारा शरीर है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और इसमें आत्मा बैठा हुआ है। ये ब्यूटिफुल वर्णन है। और जिसके यदि जिसके लगाम ढीली है और जो सारथी है वो स्वयस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्क अशुचि सतु न तत्पद न अपनोती संसारम से गच्छति। संसार में जाएगा घोड़े, अगर लगाम ढीली है तो एक्सीडेंट हो जाएगा, घोड़े अपने आप ले जाएंगे और एक्सीडेंट पड़ जाएगा। वो शारदानंद जी का मालूम है ना, वहां पे कहीं उत्तराखंड में गए थे स्वामी शारदानंद जी और एक ऐसे घोड़े अपने घोड़ा गाड़ी में वो कहीं जा रहे थे और घोड़े जो है तो कंट्रोल में नहीं थे और वो जो चलाने वाला था वो कह रहा था रावलपिंडी से श्रीनगर से रावलपिंडी का रास्ता उस जमाने का, तो वो जा रहा था कि आज तो नहीं बचेंगे, आज नहीं बचेंगे, और घोड़े उल्टे पुल्टे पुल्टे इधर उधर, फिर वो एक चला ही गया। शारदानंद जी बैठे हुए हैं, क्या करे, देख रहे हैं कि देखा उन्होंने अचानक देखा कि पेड़ का एक पेड़ की डाली आई तो कूद के उन्होंने ना पकड़ लिया उसको, इतने उसमें पकड़ लिया, उधर जाके वो घोड़ा नीचे गया, ऊपर से एक बड़ा पत्थर आया और घोड़े के ऊपर गिरा। तो जब कंट्रोल नहीं होगा यही हमारी हालत होती, और संसार में लोग देखते हैं, आप लोग जानते हैं, जवान लोग हैं, कोई कंट्रोल नहीं, शराब पीना, ये करना, वो करना, और वो एक्सीडेंट होता है। तो उसके बाद तो छोड़ ही दीजिए। यहां पे ये कहते हैं कि इतना कंट्रोल कर लो, वासनाओं को कम कर लो, राग द्वेष कम कर लो, प्रसाद प्राप्त होगा। समझने में कोई फिलॉसफी नहीं है यहां पे, आत्मा परमात्मा वेदांत कुछ नहीं है, जगत माया है और वो अध्यास और अपवाद भी नहीं है, ये विक्षेप शक्ति माया की और ये आवरण शक्ति माया की, ये कुछ नहीं है। वासना हम समझते हैं, राग द्वेष हम समझते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करना समझते हैं, नहीं तो मुश्किल। मुश्किल की बात तो छोड़ दीजिए, आप उस आनंद को नहीं पाओगे। हमको अभी थोड़े से आनंद में हमको एक्सपीरियंस ही नहीं है। अभी संसार के नाम यश परिवार धन कुछ काम किया, अच्छा प्रोजेक्ट किया,
सेवा उसका आनंद का पड़ रहा है, लेकिन जो प्रसाद की बात यहां है वो दूसरी चीज है। ये कर लीजिए प्रसादम अधिगच्छति, और उसके प्रसाद से समस्त दुखों की हानि यानी आध्यात्मिक दुख आपके पूरी तरह चले जाएंगे, और आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों के प्रति आपकी रिएक्शन जो है वो एकदम क्षीण हो जाएगी। और प्रसन्न चेत सो आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, आदमी प्रसन्न है प्रशांत है, बुद्धि को ध्यान करना परमात्मा में लगाना इत्यादि एकदम आसान। आशु शीघ्र ही परमात्मा सब ओर से हटाकर परमात्मा में भली प्रकार से स्थित हो जाती है। ट्रांक्विल माइंड, पीसफुल माइंड। अब पीसफुल माइंड है तो आप पीसफुल माइंड में सुख कहाँ है? अरे जो सुख मिलता है ये रजोगुण का सुख है, थोड़ा सा इन विषयों में खाया थोड़ा सा है, लेकिन पीसफुल माइंड सत्वगुण का सुख है, वो सदा सर्वदा बना रहता है। रजोगुण का जो सुख है थोड़ी देर हुआ उसके बाद में चला गया, ये है बुद्धि पर यह वो परमात्मा में आसानी से लग जाएगी। अब इसको निगेटिव रूप से कहा, ये निगेटिव है। नास्ति बुद्धि रयोक्तस्य नचायुक्तस्य भावना भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अब कहते हैं कि हमको तो सुख मिल रहा है, सुख से हमको शांति मिलेगी, शांता से भावना मिलेगी, भावना से हमको बुद्धि मिलेगी, उल्टा उल्टा नहीं। अयुक्तस्य, युक्त का अर्थ क्या है? यहां पे क्या लिया है? अयुक्त युक्त योग, युक्त शब्द का अर्थ यहां पर है जो युक्त है मतलब कंट्रोल्ड माइंड, युज धातु से लिया है। योग युक्त जो इसमें योग में है, या फिर कर्मयोग भी ले सकते हैं, यानी जिसने निष्काम कर्म किया है, फलाशक्ति त्याग दिया है। ऐसा थे अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे बुद्धि इदमा सुनो, योग युक्तो विशुद्धात्मा, जो आते का ना योग युक्तो विशुद्धात्मा, तो योग युक्त यानी कंट्रोल्ड माइंड, मन का कंट्रोल होना चाहिए। और इस मंत्र के कंट्रोल के कई लेवल्स, छोटे बच्चे में कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अपने इंद्रियों के द्वारा परिचालित होता है। वहां कुछ दौड़ा तो कान एकदम उधर देखेंगे, फिर वो बाहर जाके दौड़े देखेगा। हम वो स्कूल में जाते थे, वो कुछ कभी के लेक्चर देने के लिए स्कूल में जाना पड़ता है ना, जैसे स्वामी बन और वो स्वामी विवेकानंद की वो चार बुकलेट्स निकाली थी, वो कॉल टू द नेशन और फॉर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की लेक्चर स्वामी जी के, शिकागो एड्रेसेस वगैरह चार किताबें थी, और स्कूल्स में गए थे तो छोटे बच्चे जैसे जैसे जाएंगे तो सब क्लास हो रही है, जैसे कुछ आवाज आ सब के सब एक तरफ देखेंगे। तो हमारा मन ऐसा ही है, बच्चे जैसा है बिल्कुल, अयुक्त माइंड। योग युक्त सेंट कंट्रोल्ड माइंड। अभी हम इंद्रियों के वश में है, अब मन यदि कंट्रोल हो जाएगा तो हम वो नहीं होंगे। और इस योग को अयुक्त का प्रैक्टिस कैसे करना, जिसे आप यहाँ बोला ना, क्या कहा है? असंयताएं, अयुक्त यानी जीते हुए न जीते हुए मन और इंद्रियों के पुरुष वाला, इसकी प्रैक्टिस कैसे करना। बात तो हो गई इंद्रियों के बारे में, एवरी लेवल एवरी समय हमेशा कर सकते हैं। आप बैठे हुए हैं, ये देखिए कि आप बिना हिले डुले कितनी देर बैठते हैं। मैं लेक्चर दे रहा हूं, मैं देखूं कि मैं हाथ पर कितना हिला रहा हूं। आप सुन रहे हैं तो आप मेरे को ही सुन रहे हैं कि आप इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं। द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डन एट एवरी लेवल, प्रत्येक स्तर पर हम एकाग्रता का प्रैक्टिस कर सकते हैं, मन को नियंत्रण करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे में भी यदि नहीं किएगा हम करेंगे तो फिर आप आंखें बंद करके एकांत में एक साथ बैठ कर नहीं कर सकेंगे। तो जो काम आप आंखें बंद करके ध्यान के समय हम सुबह करते हैं,
तो उसका सारा प्रभाव सारे दिन होना चाहिए, सभी काम एकाग्र होकर करने चाहिए। स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं उसको कि मन को जहां लगाओ पूरे मन से लगाओ, जब जब को कुछ जो काम करो उसको पूरी एकाग्रता से करो, तब वो आपका ध्यान में भी एकाग्रता होगी, सब कामों में एकाग्रता। युक्त मन अर्थ है फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, योग के द्वारा हो या निष्काम कर्म के द्वारा हो। निष्काम कर्म के द्वारा क्यों युक्त करते हैं उसको, योग युक्त हो विशुद्धात्मा बार बार कहते हैं, क्यों? वो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है गुरु नंदना, और फिर बुद्धयो अव्यवसायान बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, फलाकांक्षा से अगर काम करेंगे तो एक फल के बाद दूसरे फल की इच्छा, दूसरे फल से दो दूसरे फल की इच्छा, शाखाएं निकलती चली जाएंगी और मन जो है वो अव्यवसाय आत्मिका बहिर्मुखी और चंचल हो जाएगा। तो ये जो योग युक्त या कहा जाता है या अयुक्त कहा हुआ है, ये मन अंतर्मुखी मन है, याद। और अंतर्मुखी मन के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको, हाउ कैसे अंतर्मुखी मन कर, मन जो काम करता है उसमें लगा रहता है और बाकी किसी चीज की चिंता नहीं करता, और जैसे ही काम समाप्त हो गया पुनः अपने अपने स्थान में आके बैठ जाता है, वहां उनको इच्छाएं वासना उसको इधर उधर खींचती नहीं है। ऐसा है अयुक्तस्य युक्तात्मा। अयुक्त जैसा है बहिर्मुखी मान व्यक्ति है ना, अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, निश्चयात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि एकाग्रता की बुद्धि उसकी नहीं होती। निश्चयात्मिका किस निश्चय नहीं कर पाता वो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो उसको अभ्यास हो गया चंचलता का। उसके बाद कहते हैं नास्ति अयुक्तस्य भावना, और अभावयतः न शांति, अशांतस्य सुख दुख सुख कहां से मिलेगा। ये भावना शब्द जो है ये बड़ा डिफिकल्ट शब्द है, यहां तो खैर हिंदी में तो सिंपल ट्रांसलेशन भावना को भावना रख दिया, शास्त्रकारों ने अलग अलग इसके कमेंट्री की है। ये भावना का अर्थ क्या हुआ, तो भावना शब्द जो है ना, शंकराचार्य कहते हैं भगवान के प्रति भाव, वही आत्मविषयक भावना, आत्मा की तरफ मन, मन उसका आत्मा की तरफ नहीं होता। पातंजल योग सूत्र में तद जपह तद अर्थ भावनम, अब ये भावनम शब्द है यहां पर, तद अर्थ चिंतनम नहीं है, तद अर्थ चिंतन नहीं, तर्थ अर्थ भावनम। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार उसको एक्सप्लेन करने का, अर्थ की भावना। तो कुछ लोग कहते हैं भावना का अर्थ है भावनातः, उसके बाद में अभी भावना अभी किया, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम पुण्यापुण्य सुख दुख पुण्यापुण्य विषयानाम भावनातः, वह भाव रखना। अभी मैंने जो ट्रांसलेशन किया ना, एक मैं बोल रहा था परमहंस देव के जीवन वृत्तांत, रामकृष्ण ये रामकृष्ण भक्त शिष्य रामकृष्ण परमहंस देव जीवन वृत्तांत, रामचंद्र दत्त का पुस्तक है जीवनी श्री रामकृष्ण की, उसमें मन के जितने भी मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, मन के जितने भी क्रियाकलाप फंक्शंस, उनके सब के लिए एक शब्द जुड़ा भाव, सब में भाव शब्द, अरे कितने भाव ही भाव, भाव ही भाव सब, और भाव एरकम छिलो से सुन ले और भाव होलो एरकम होलो, उसे विचार चिंतन कल्पना सब को। और मुझे अनुवाद करने में इतनी मुश्किल हुई है कि बस बंगाली में तो चले आपने तो भाव अच्छे की भाव तुम्हारे वो भाव एरकम भाव अच्छे हो, यू नो इट्स अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड, मल्टीपल मीनिंग्स, वहां मेरे को बड़ी मुश्किल हुई। अब यहां भी पतंजलि में भावना था चित्त प्रसादनम तप तद अर्थ भावनम, अब वो मैत्री की भावना करना और तप अर्थ का भावना करना उसमें अंतर तो है, और यहां पर वो कहते हैं नास्ति अयुक्तस्य भावना, भगवान के प्रति भाव, मन मन का एटीट्यूड, मन का दृष्टिकोण, भगवान की तरफ मन लगना,
नास्ति अयुक्तस्य न चास्ति अयुक्तस्य भावना न अभावयतः शांति नहीं हो सकती। फिर कहते हैं इमोशनल, यहां पर भावना शब्द का जब अर्थ है तो कह सकते हैं ये जो भावनात्मक इमोशनल एस्पेक्ट, इंग्लिश शब्द में बोलेंगे ना, इमोशनल एस्पेक्ट को, जो तीव्रता को, मन के झुकाव को, इसको भाव पड़ा। यहां पे उसका अर्थ नहीं, मन का झुकाव किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। तो जिसका मन संयत नहीं है, अयुक्त है, उसके मन में भगवान के प्रति झुकाव नहीं आएगा, प्रेम रुचि भक्ति भाव उसके प्रति झुकाव यह नहीं होगा। क्यों? याद रखिए क्या कहा है, अयुक्तस्य ना, जीते हुए इंद्रिय और मन को, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड है ना, कॉन्सेंट्रेशन लव दोनों का संबंध है कि नहीं। जहां जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को, जिस परिस्थिति को, जिसको हम प्यार करते हैं, वहां मन एकाग्र हो जाता है, ठीक है ना, और वहां सुख होता है। तो ये जो भाव है इसका अर्थ प्रेम भी हो गया, एकाग्रता हो गई, और दोनों एक दूसरे से संबंधित है। भगवान का चिंतन करने वाले करते करते प्रेम या भावना हो जाती है। अब इस श्लोक का पूरा अर्थ देखें। तस्य बुद्धि नास्ति न च अयुक्तस्य भावना न अभावयतः शांति अशांतस्य न सुखम, सुख नहीं हो सकता। यानी जिसका मन कंसंट्रेटेड नहीं है, इंद्रियां एकाग्र नहीं है, मन पर उसको संयम नहीं है, उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हो सकती, क्या करूं क्या नहीं करूं, कंसंट्रेटेड माइंड, डिसिसिव माइंड नहीं हो सकता। ऐसे में भावना नहीं हो सकती, भगवान के प्रति उसका झुकाव नहीं हो सकता, और जो भगवान के प्रति झुकाव नहीं हुआ तो उसको शांति नहीं मिल सकती। होल थिंग इज निष्काम भाव से तीव्र एकाग्रता और कंसंट्रेशन, उससे भगवान के प्रति एकाग्रता, उससे शांति, एकाग्रता शांति प्रसाद ये सब संबंधित हैं। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कैसे हो सकता है, असंभव। एक कंटिन्यूअस सुख का अर्थ ही है कंटिन्यूअस चीज होना चाहिए, एकाग्र शांत मन होना चाहिए, बिना उसके सुख नहीं हो सकता। और कहते हैं सुख कैसे प्राप्त होता है, वो भी होता है जब हमको लड्डू मिला या कुछ अच्छी चीज मिली, बढ़िया चीज हुई, तो क्षण भर के लिए मन शांत हुआ और उसमें आत्मा का प्रतिबिंब उस शांत चित्त वृत्ति में होता है, इसलिए हमको सुख प्राप्त होता है। तो एकाग्रता और मन शांत होता है, उससे चित्त प्रतिबिंब होता है, उससे वो सुख होता है। ठीक है, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि और अव्यवसायत्मिका, पहले अव्यवसायत्मिका समझो, अनकॉन्सेंट्रेटेड, उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, एक बार जाती है उसके बाद में बाइफर्केटेड, बहुशाखा अनंताश, बहुशाखा, डाउट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ डाउट, बिकॉज ऑफ एक्सट्रोवर्ट नेचर, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी वृत्ति, तो क्या होगी, वो बहुशाखा होगी। यानी आप में सर्कल है, सर्कल है, तो उसके अंदर इंट्रो इनवर्ड कमिंग जो है, कॉन्वर्जेंट रेज एंड डाइवर्जेंट रेज, जो डाइवर्जेंट रेज है वो बहुशाखा हो जाएंगे, आगे जाके और विभाग होते जाएंगे। कॉन्वर्जेंट रेज आपने लेंस लगा दिया और वो लाइट आई, उसकी सूर्य की लाइट आई, अपने कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो वो एक पॉइंट के ऊपर उसको कागज को जला देगी, वो हो गई इंट्रोस्पेक्टिव, वो हो गया व्यवसायत्मिका। एक पॉइंट के ऊपर मन लगा हुआ है, वो बिखरा हुआ नहीं। और जो मैंने अभी कोई पॉइंट्स भी दिए ना, कैसे इंट्रोस्पेक्टिव होना, जो भी काम करेंगे पूरे मन से करेंगे, बीच में और दूसरी चीजें नहीं आने देंगे। और अपने जब संकल्प, बहुत सारे संकल्प होते रहते हैं मन में,
उन संकल्पों को काटिए, एक को ले लीजिए, उसमें लगाते रहे। थोड़ी भी भक्ति पर्याप्त, थोड़ी सी भक्ति पर्याप्त नहीं, बहुत कठिन है। वासनाएं इच्छाएं बैठने नहीं देती, शरीर चंचल है, मन में संकल्प विकल्प होते रहते हैं, कहाँ शांति हो। ऐसा पहले शरीर को साधना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, हमसे पूछा कि कहाँ ध्यान करना चाहिए, यहाँ करना है कि यहाँ करना है, सिर में करना है कि हृदय में करना। हृदय में करना श्रेष्ठ है, पहले बैठना तो सीखो। बात कर रहे हैं ध्यान के, लेकिन बैठ ही तो नहीं सकते, जीवन निकल जाता बैठ नहीं सकते। इसलिए हठ योग में है वो आसन है, तो बड़ी देर तक बैठना है बिना हिले डुले बैठने का। और हम कभी तो ये करते हैं भाई, 15 मिनट एक महीने तक, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को सिर्फ बैठो, ध्यानवान कुछ नहीं, फोटो के सामने बैठो 15 मिनट, ध्यानवान कुछ नहीं करना। मैं तो वो 3 स्टेप मेडिटेशन बताता हूँ, 15 मिनट्स सिट विदाउट मूविंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बिना हिले डुले बैठो। दूसरा, आंख खोल के चित्र को देखो, आंख बंद करके चित्र देखो। अब मेरे को लगता है ओनली 2 स्टेप मेडिटेशन। सीधे बैठना, बिना हिले डुले बैठना, सामने चित्र को आंखें खोलकर देखते रहना, बस। ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए, अरे हम लोगों की भी यही हाल है, सभी लोगों की। हम लोग चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन मन हम लोगों का एकाग्र नहीं, शरीर पर हमारा संयम नहीं। ये सब अयुक्तस्य भावना, अयुक्त जो है ना वो ऐसा होता है। युक्त होता है तो उसका शरीर भी सब कंट्रोल में होता है, मन भी कंट्रोल में होता है, इंद्रिया भी कंट्रोल होती है, उसको बोला है युक्त। 67 ना, इंद्रियाणां हि चरताम् यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तो ये तो कोई सीधी ही बात है, इसमें कुछ है नहीं। पहले वो कह रहे थे ना, वो ध्याय तो विषयान पुंसा, उसी के साथ में ये भी आ गया है, नेगेटिव पार्ट है कि जिस इंद्रियों को वचरण करती हुई इंद्रियों के पीछे यदि मन जाएगा, हर चरताम इंद्रियाणाम, विषयों में विचरण करती इंद्रियों के पीछे यदि मन जाएगा तो क्या होगा, अस्य वो हरती प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा बुद्धि इंटेलेक्ट अंडरस्टैंडिंग विजडम, बुद्धि के हिसाब सब ले लीजिए, उसकी समझदारी, उसकी बुद्धि अकल सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि इंद्रियां चला रही हैं, मन विषय जो है वो चला रहे हैं उसको, वो घोड़े की तरह वो एक्सीडेंट होएगा कभी न कभी, डेफिनेटली एक्सीडेंट। अस्य अस्य यानी इस पुरुष की प्रज्ञा को पूरी तरह से हर लेती है। क्योंकि जैसे कैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, जिसका मन, वह तत् क्या कहा है इसमें, इंद्रियाणाम ही चरताम तदस्य हरति प्रज्ञाम। यहाँ पे एक ही इंद्रिय, एक इंद्रिय, सब इंद्रिय हो तो क्या करेगी, तो कह नहीं सकते। वही कहा ना, शब्दादि पंच भी पंचरेव पंचत्वमापु स्वगुणै निबद्धाम। वो ये है, वही शंकराचार्य का जो है, हमारी पांचों इंद्रियां प्रबल हैं, बाकी प्राणी बेचारे एक एक इंद्रियों के कारण फंसते हैं, पांचों इंद्रियों के कारण है तो क्या हालत हो। शब्दादि भी पंच भी पंच, मन जिस इंद्रिय के अनुसार रहता है वह एक ही इंद्रिय, जिस मन जिस इंद्रिय के साथ जाएगा, माइंड प्लस इंद्रिय, माइंड बिहाइंड इंद्रिय, शब्दादि अब आ गया, शब्दादि भी पंच भी रेव पंच पंचत्व मापु स्वगुणे निबद्धाम कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरा पंचभिरंचितम किम। यह है
Tasmadhyasya Mahabaho Nigrihitani Sarvashah Indriyani Indriyarthebhya Tasya Pragya Pratishthita. कंक्लूड करते हुए कहते हैं, उसके बाद में तो फिर दो तीन श्लोक ही हैं, कहते हैं तस्मात हे महाबाहो, महाबाहो यू आर नॉट ऑर्डिनरी, महाबाहो महायोद्धा, बाहु आपके प्रबल हैं, स्ट्रांग हैं, महायोद्धा हैं आप, और आप इंद्रियों के शिकार हो जाते हैं, एक छोटी सी इंद्रिय ने आपके आपको फ्लैट कर दिया, आप तो महाबाहु हो, हम ऑर्डिनरी नहीं है, ठाकुर की संतान है, ठाकुर की दीक्षा हुई है, रामकृष्ण मिशन में आए हैं, हमको ये शोभा नहीं देता कि हम इंद्रियों के गुलाम हो जाएं। हे महाबाहो, यस्य हे गृहीत निगृहीतानि सर्वशः, सब तरह से इंद्रियां निगृहित हैं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो, इंद्रियों के विषयों से तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, उसकी प्रज्ञा उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, वही बात बार बार कही थी, वही यहां पे वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी, हो गया भाई आप लोग सदगुरु, हम लोग सभी अब एज हो गई है, थोड़ा हो गया विषय का सुख तो मिल गया, हो गया, अब छोड़ो, डोंट गो आफ्टर देम, जो मिल गया सो मिल गया, राग द्वेष रहित होकर मन को हायर लेवल्स पे, कहा ना डेवलप हायर इंटरेस्ट्स, इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट है, संगीत का है, कवि बना कवित्व कीजिए, सेवा कीजिए, ये सेंसेस का इंटरेस्ट को उसको एकदम कम कर, क्योंकि बहुत आगे बहुत सारा है ना, आनंद आएगा, प्रसाद आएगा, और उसके बाद अभी दो श्लोक हम बाद में लेंगे, या निशा सर्वदूप भूतानाम अनापूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, तो उसमें तो बड़ी उच्च कोटि की बात बताई गई और प्रसन्नता बताई गई है, आनंद बताया गया है, सब कुछ है, बड़ी बड़ी भाव, बहुत ऊंची ऊंची चीजें हैं, आनंद का सागर है हमारे पास में, और आप बाहर इधर उधर करेंगे तो कैसे हो, तो यहां इसमें कंक्लूड करके कहते हैं महाबाहो, जिसकी इंद्रियां पूरी तरह से सभी ओर से निरंतरित है इंद्रियों के विषयों से, उसकी प्रज्ञा उसका ज्ञान उसका बुद्धि उसकी धीरता उसकी मनस्थिति, आप कैसे भी प्रज्ञा शब्द को ले लो, दृढ़ प्रतिष्ठ है, प्रज्ञावान है, बुद्धिमान, बुद्धिमान शब्द से भी अधिक, ये भी कह रहे हैं ना कि यही कह रहे हैं ना कि इंद्रियां लेकर वो इंद्रियां की विषयों में विचरता है, एंड येट ही इज कंट्रोल्ड, ये वो राग द्वेष रहित ही अगर सामने आया, अरे भाई तुम्हारा खाना आया खाओगे तो, हाँ खाओगे तो, खाना तो खाओगे, हाँ खाना खाओगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है जो भी मिल गया सो मिल गया जी, तो इंद्रियों के विषय में विचरण करता है, इंद्रियों को लेके चलता है, राग द्वेष रहित होता है, रहित होता है, तभी राग द्वेष रह के मतलब यह है कि वो उसमें चॉइस नहीं रहता, जो मिल गया सो मिल गया, जो परिस्थिति मिल गई सो मिल गई, हाँ अटैचमेंट भी नहीं और डिटैचमेंट भी नहीं, अटैचमेंट और एवर्शन दोनों नहीं, परिस्थितियों के कोई चॉइस नहीं, वॉट एवर कम्स, क्योंकि रहोगे संसार में, भागने की बात नहीं, भगवान को अर्जुन में युद्ध कर रहा है, हम सबके लिए है वो, जैसा आया उसमें उनके द्वारा विचलित मत हो, वो राग द्वेष मन से राग द्वेष हटा दीजिए, प्रश्न चला जाता है तो जीवन में लोगों को यही लगता है,
लोगों को ये लगता है कि लाइक्स हमारी चली जाएंगे तो कैसे, ये दुर्भाग्य। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, भगवान आप घनीभूत आनंद के सागर हो जाओ, आनंद ही आनंद। लाइक्स एंड डिसलाइक्स ड्यूअलिटीज हो गई ना। आपने मान लिया कि राग द्वेष बहुत डिफिकल्ट स्टेज है। भगवान ये अर्जुन को बोल रहे हैं, वो भगवान महावीर की बात भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ये युद्ध करने की बात कर रहे हैं। भगवान वितराग महापुरुष हैं, तो राग वितराग यानी राग द्वेष रहित, महावीर यानी जिन्होंने ये संचय को जीता है, इंद्रियों को जीता है, अपनी कामनाओं को वासनाओं को जिसने जीता उसी को महावीर कहते हैं। और यहाँ पे भगवान वही बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं। अरे कोशिश करो ना, क्या डरते क्यों? वो ठीक है, वो बाहरी तप तो दिखता है, आभ्यांतरिक तप जो है वो राग द्वेष दूर करने का, वो हम आज भी कर सकते हैं। बाहरी तप में हम लोगों की क्षमता नहीं है जो उन्होंने की थी, दो उपवास चार उपवास ज्यादा से ज्यादा अट्ठाईस हो गई, वर्षी तप हो गया, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। लेकिन राग द्वेष तो कम कर सकते हैं, थोड़ा खाने की जिह्वा के ऊपर संयम कर सकते हैं, अपने इंद्रियों को, कान को, नेत्र को, इसको विचार करके। क्या कहा है वो, अगर वो दूसरे को क्या है कि रस, अगर आप कमरे में बंद हो जाओगे, नहीं मेरे को नहीं खाना, चलते कमरे में बंद, मेरे को उबला खाना बना देना और कुछ मत देना, ठीक है, लेकिन वो रस बना रहेगा विचार के द्वारा, विचार के द्वारा। अरे यही तो है, इंद्रियों में लगाया, ठाकुर ने इधर उधर सब जगह मिठाई खाई और उसके बाद छोड़ दिया, इसी को बोलते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन विचार की बात, ऐसा डिफिकल्ट कठिन नहीं है ये चीज। जितने भी एंजॉयमेंट्स हैं सबको विचार के द्वारा छोड़ा जा सकता है। हाँ, नॉट ओनली नहीं, नॉट ओनली एंटेंगल, नॉट गिवन गिन अट्रैक्टेड बाय देम, और टॉप ऑफ द जो आनंद जो जिसे हम लोगों को मिलता है कोई चीज देख के, कोई मिल के, कोई कुछ करके, वो तो टेम्पररी, ज्यादा देर तक तो रुकती भी नहीं है, वो तो थोड़ी देर हुआ बस हुआ तो उसी वक्त हुआ, ये तो खत्म हो जाती है। ये देखो, ये समझ गई तो उस वक्त तो नहीं नहीं नहीं, नहीं महाराज ये ठीक की बात है, मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये तो थोड़ी देर की बात है बस, ये तो समझने की बात है। उसके बाद और रहती वो जब छोड़ देंगे तो उसके बाद में जो सुख मिलेगा वो परमानेंट मिलेगा। पर ठाकुर को पकड़ के जब हम बात करते हैं, जब यहाँ आते हैं, मिलते हैं, जुलते, ये लंबा खींचता है। कितने दिन चलता है? चलता है महाराज, जैसे कि हम लोग अब घर कमरे के अंदर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं कि ये चीजें, एक चीज होगा, फिर गाड़ी में बैठते हैं, फिर दूसरी बात आती कहाँ है? दूसरी बात तो आती नहीं है, तो करना है हम लोग तो करना है। हाँ, यही तो पर इसमें मजा आता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और अच्छा, पर जो घर की जो संसारी बात है वो तो टेम्पोररी होता है, उसी वक्त हुआ आनंद खत्म। इसी भाव को बनाए रखना है कि ये टेम्पोररी है, उसमें नहीं फंसना है, वो होता नहीं है। और जैसा हम यहाँ तो उन्होंने ये कहा है कि सब नेगेटिव कहा है ना, तस्मात यस्य महाबाहो निगृहतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो, नेगेटिव पास है, इंद्रियों के विषय से दूर रहो। लेकिन पॉजिटिव बात हम यहाँ कहते हैं, अब श्री राम कृष्ण को ले लो, आनंद के अवतार, आप श्री राम कृष्ण एज वी सॉ हिम, जैसा हमने उनको देखा है, उसमें आनंद से भरे हुए हैं वो, उनका चिंतन कीजिए ना, पॉजिटिव होगा। अभी जिस निर्भर करता है उसको, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दिन रात उन्हीं की किताब चिंतन कीजिए, उनको पढ़िए, उसको सुनिए, आपके विषय सब छूट जाएंगे, पॉजिटिव आनंद मिलने लग जाएगा, है ना? प्रैक्टिकल रास्ता ही प्रैक्टिकल है। और विषयों पर अगर ज्यादा अट्रैक्शन किस पर्टिकुलर विषय की तरफ हो तो उसको थोड़ा विचार करके छोड़ दीजिए,
लेकिन बाकी आप लगा दीजिए ना, ठाकुर में आज का अवतार प्रसाद, प्रसाद में प्रतिष्ठित, प्रसाद के घनीभूत विग्रह, आनंद के घनीभूत विग्रह, इतना पढ़ेंगे वो श्री रामकृष्ण जी स्वामी ने तो वो सब जगह लग रहा है, अरे चेहरा फट रहा है आनंद से, आनंद इतना है, आनंद को दिखाने के लिए आए हैं वो ठाकुर, उनको आप पकड़ लीजिए सारी समस्या निकल जाए। तो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स हो गए। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्ण नमस्तु।